सो आज मैं आपको बताने वाला हूँ अपने स्किन केयर के बारे में कि मैं क्या क्या यूज़ करता हूँ और किस के लिए यूज़ करता हूँ, किस के लिए नहीं यूज़, किस चीज़ के लिए यूज़ करता हूँ, सॉरी फॉर दैट। Hey guys, welcome back to the channel everyone. I hope you guys are doing extremely well and healthy. So आज मैं आपको बताने वाला हूँ अपने स्किन केयर के बारे में कि मैं क्या क्या यूज़ करता हूँ और किस के लिए यूज़ करता हूँ, किस के लिए नहीं यूज़, किस चीज़ के लिए यूज़ करता हूँ, सॉरी फॉर दैट। मतलब पिम्पल्स के लिए क्या यूज़ करते हो और वगैरह वगैरह, ठीक है। सो ये सब मेरे ओपिनियंस हैं, ठीक है। इसमें आप क्रिटिसाइज़ मत करना मुझे कि यार ये क्यों लगा रहे हो, वो क्यों लगा रहे हो, ये तो अच्छी नहीं है, ये तो अच्छी नहीं है। तो ये सब मेरे ओपिनियंस हैं। सबका जो फेस का रिएक्टिविटी होता है वो डिफरेंट होता है, टोटली डिफरेंट होता है। लेकिन ये सब जो चीज़ें हैं थोड़ी सी क्या बोल सकते हैं, सब कोई इसे यूज़ कर सकते हैं, इसीलिए ये प्रोडक्ट्स इतने चलते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड या सो मैं आपको अभी धीरे धीरे दिखाता हूँ कि मैं आज क्या क्या लाया हूँ। और हाँ, अभी मेरे फेस का भी हालत ठीक नहीं है, मेरे को भी पिंपल्स हो रहे हैं। मेनली मैं आज पिंपल्स पे फोकस करूँगा कि पिंपल्स कैसे ना होने दें, और पिंपल्स हो भी गए तो उसके दाग को कैसे हटाएं, जो ब्लैकहेड्स वगैरह होते हैं ये सब, ठीक है। तो आज मेरे पास 1 2 3 4 5 चीज़ें हैं और एक ऑयल है, तो उसको मैं लास्ट में बताऊँगा उसके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है मैनकाइंड का एक्ने स्टार। इसमें क्या है, बेंजोल परऑक्साइड है। बेंजोल परऑक्साइड ऐसी चीज़ होती है जो आपके ऑयल को रिमूव करती है आपके स्किन से। तो ये सोप है, आप इसे सुबह और रात को ज़रूर ही लगाएं, 2 बार तो कंपलसरी है, और ये आपका ऑयल निकाल देगा। सो दूसरा जो प्रोडक्ट निकल के आता है वो है एक्ने स्टार। जो एक्ने स्टार ये था मैनकाइंड का, वो इसका ये जेल है। तो ये बेसिकली क्या करता है, इसी की मैं बात कर रहा था, तो घर में थोड़ा काम वाम चल रहा है, सो सॉरी फॉर दैट। तो इसमें क्लिंडामाइसिन होता है और ये क्या करता है, आपके जो दाग होते हैं उसको मिटाता है। लेकिन ये एकदम रीसेंट वाले दाग को मिटाता है। अगर आपका दाग 2 महीना 3 महीना का हो गया है तो ये नहीं कर पाएगा। जैसे ही आपको पिंपल होता है और पिंपल आपका क्या बोलते हैं डीजेनरेट हो जाता है या तो फूट जाता है, तो आप ये वाला लगाएं तो वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। इन सब के मैं लिंक आपको नीचे दे दूँगा, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं या तो कोई भी मेडिकल शॉप में ये मिल जाएगा। देन उसके बाद आता है बेंजोल परऑक्साइड जेल। इसमें बेंजोल परऑक्साइड था, किस लिए, ऑयल को हटाने के लिए। अब हम क्या बात कर रहे हैं, जेल। तो अगर आप जेल भी यूज़ करते हो तो इसमें क्या होता है, पिंपल्स जो ग्रो होते हैं ना वो ग्रो नहीं होते हैं, क्योंकि जो ऑयल हमारे स्किन में बन रही है वो इसको हटा देता है और पिंपल्स ग्रो नहीं होते हैं। तो ये भी एक अच्छा प्रोडक्ट है, ठीक है। याद रखना, ये जो बेंजोल परऑक्साइड है इसका 2.5% वाला ही लेना, ज़्यादा मत लेना, इससे आपको रिएक्शन वगैरह हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। फिर आता है ये 2 प्रोडक्ट, एक है कोलाजन और एक है बेटनोवेट C। तो कोलाजन तो आप जानते ही होंगे, अगर आप नहीं जानते हैं तो कोलाजन की जो क्रीम होती है वो स्किन के लिए होती है। कोलाजन असल में होता क्या है, ये अपने खाने में होता है, फाइबर्स होते हैं, और ये अपने स्किन को हेल्दी बनाता है। जो नरिशमेंट हमें मिल नहीं पाती है वो इस चीज़ से मिलती है। तो इसको और बेटनोवेट C को मिला के हमें लगाना है। ये येलो कलर की क्रीम है और ये है वाइट कलर की क्रीम। तो इन दोनों को मिलाना है और हमें लगाना है रात को और सुबह तक छोड़ देना है। सो आप नेक्स्ट डे ही, मतलब अगले दिन ही आप रिजल्ट देखोगे, आपकी जो स्किन है बहुत अच्छी हो गई है, आपका स्किन जो है ब्राइट करेगा। काम चल रहा है भाई, क्या कर सकते हैं। एंड एट लास्ट मैं जो ऑयल के बारे में बात कर रहा था, ये है इंदुलेखा। यार इसकी मैं जितनी भी तारीफ करूं वो उतनी ही कम है, क्योंकि ये जो ऑयल है ना भाई, ये मेरे बाल को अभी तक बचा के रखा है। क्योंकि मैं लंबे बाल रखता हूं, बहुत ही ज़्यादा लंबे बाल हैं मेरे, लड़कों के हिसाब से। तो ये क्या करता है, अपने ये जो जड़ों हैं, जड़ों को मजबूत करता है और हेयर फॉल से रोकता है और ग्रोथ भी दिलाता है। ये महंगा है, एक प्रोडक्ट है, मतलब एक इसका पैकेज जो आता है 432 का आता है। सो अगर आपको लेना है तो मैं लिंक में डाल दूंगा। और बाकी ये सब जो हैं ये 100 के अंदर ही आते हैं, जो अभी मैं आपको दिखाया ये सब हैं जो 100 के अंदर ही आते हैं, ठीक है। सो या दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक एंड नाउ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आवर ब्लॉग। और पीछे जो आप ये बैकग्राउंड में देख रहे हैं ये आपको कैसा लगा, आलोक जायसवाल यूट्यूबर, तो ज़रूर बताना एक बार और इसी के लिए लाइक ठोक देना ज़रा। दैट्स इट फॉर द वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो फॉर व्हाटसोएवर रीजन दैन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। चैनल में नए हो सब्सक्राइब करो। और किसी को भी अगर प्रॉब्लम हो रहा है ये पिम्पल से रिलेटेड तो आप ज़रूर शेयर करो अपने दोस्तों को, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक प्रोडक्ट्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपकी जो फेस है उसकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा है तो इसे यूज़ ना करें, और अगर आपका फेस नॉर्मल है तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसे 1 साल यूज़ किया है और बहुत ही अच्छा है। अगर अभी आपको विश्वास नहीं हो रहा है मेरे में, क्योंकि अभी मेरे को पिंपल्स वगैरह हैं, क्योंकि मैं अभी 1 महीना से ये सब मैं यूज़ नहीं कर रहा था, लेकिन मैं 1 साल पहले ये सब यूज़ कर रहा था तो मेरी स्किन बहुत ही अच्छी थी। लेकिन आज से मैं ये सब यूज़ कर रहा हूँ और आपको लॉन्ग टर्म इसका रिव्यू मैं आपको दे दूँगा 15-20 दिन में। सो आप उसके बाद इस चीज़ों को यूज़ कर सकते हो। बाय। हे गाइस, हाई फाइव। तो आपको क्वेश्चन पूछने हैं, प्लीज़ डू मेंशन दैट कि आपका नाम लेना है कि नहीं, कि ये क्वेश्चन पूछा है, ये क्वेश्चन पूछी है। उससे क्या है, थोड़ा सा प्राइवेसी वाला सीन होता है। सो या कीप आस्किंग एंड कीप लविंग।